नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा में आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है। जनपद में देखिए लगातार पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पुलिस का फ्लैग मार्च दिखाई दे रहा है। शांति व्यवस्था के साथ लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारी पूरी कर ली है। संवेदन एवं अति संवेदनशील बूथों पर थाना मलपा प्रभारी ईश्वर सिंह तोमर, थाना प्रभारी बसई अरेला अभिषेक तिवारी और थाना प्रभारी पिडोरा उदयवीर सिंह ने फोर्स के साथ जवानों के साथ देखिए किस प्रकार फ्लैग मार्च किया है। वहीं क्षेत्र के मलपरा धनौली के साथ साथ शाहीपुरा अरनोटा सबोरा बसई अरेला सहित देखिए सभी थानों में देखिए पुलिस ने किस प्रकार फ्लैग मार्च किया है। पुलिस द्वारा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है और झगड़ा प्रसाद बवाल रोकने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। तो जानिए एसीपी अचनेरा पूनम सरोई से किस प्रकार थाना मलपरा क्षेत्र में उन्होंने फ्लैग मार्च किया है और जनता को क्या संदेश दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत आज आईटीबीपी के साथ में थाना फोर्स मलपुरा के साथ एक फ्लैग मार्च किया गया जो लगभग 12 से 13 किलोमीटर का रहा। इसमें सभी संवेदनशील स्थानों को जैसे धनौली मलपुरा नगला बसुआ बमरौली कटारा आदि को कवर करने की कोशिश की गई। यहाँ पर एचएस के घरों पर जाकर एचएस के घरों पर 10 साल अपराधियों के घरों पर गए, वहाँ पर उन्हें हिदायत की गई। साथ ही एक सुरक्षापूर्ण माहौल और एक ताकि सभी व्यक्ति मतदान की शुचिता को बनाते हुए अच्छे तरीके से और निष्पक्ष मतदान कर सकें और एक सुरक्षा की भावना को दृष्टिगत रखते हुए हमारे द्वारा प्रोत्साहित किया गया और ये बताया गया कि आगरा कमिश्नरेट पूरी तरह से तैयार है हमारी मुस्तैदी हमारी तैयारी और आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर लगाम कसने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये सब बातें मैसेज दिया गया पब्लिक को और साथ ही उनसे सहयोग की अपेक्षा की गई एक निष्पक्ष मतदान के लिए। वह हमें आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के बारे में और अन्य कोई ऐसा व्यक्ति जो उन्हें डराता धमकाता या किसी प्रकार की ऐसी बात करता है जिससे उनके मताधिकार का प्रयोग करने में उन्हें कठिनाई आए उसके संबंध में उन्हें बताया गया और उनके सहयोग की अपेक्षा की गई। और इसी के साथ जुड़े रहे आप हमारे साथ और देखते रहे हिंदुस्तान सिविल न्यूज़।